ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने कई बार मैदान पर क्रिकेट को शर्मसार किया है। स्लेजिंग के लिए मशहूर ऑस्ट्रेलियाई टीम के उपकप्तान डेविड वार्नर डरबन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही करते नजर आए। इस पूरे मामले में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। दक्षिण अफ्रीका की इंडिपेंडेंट मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है जिसे देखकर क्रिकेट फैंस हैरान रह गए। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि डेविड वार्नर ड्रेसिंग रूम के लिए सीढ़ियों से जाते हुए क्विंटन डिकॉक से मिल रहे हैं। वो लगातार क्विंटन डिकॉक को कुछ बोलकर उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बाकी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उन्हें जबरदस्ती खींच रहे हैं। डरबन में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल जारी था। लंच से टी ब्रेक के बीच ऑस्ट्रेलिया के खाते में महज एक विकेट आया। एडन मार्करम और डिकॉक की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को बैकफुट पर धकेल दिया था। टी ब्रेक के बाद दोनों टीमें जब ड्रेसिंग रूम की ओर जाने लगी तभी यह घटना हुई थी। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 417 रनों का लक्ष्य दिया है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने 293 रनों पर 9 विकेट गंवा दिए हैं। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीत लगभग तय है, लेकिन इस घटना के बाद वार्नर मुसीबत में फंस सकते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब वार्नर पर इस तरह के आरोप लगे हों। इससे पहले भी 2013 में उन पर जॉ रूट को मुक्का झड़ने का आरोप लगा था और उन्हें टीम से बाहर बैठना पड़ा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। क्रिकेट के ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।